दोस्तों, उम्मीद है फैली से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वक्त अपने मैं ऊपर खड़ा हूँ और पीछे मोटर लगी हुई, पीछे ऊपर क्या आवाज़ आ रही है या कोई इंजन लगा हुआ है। तो उसमें नए वाले घर खड़ा हूँ, कंप्लीट प्लस्तर हो चुका है। तो आपको भी प्लस्तर का टूर देंगे, कहाँ कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ ख़त्म हुआ, तो कितना खर्चा आया प्लस्तर पर हमारे घर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब प्लस्तर स्टार्ट हुआ था हमारे घर का, सबसे पहले ये वाली दीवार हम लोगों ने की थी कंप्लीट। और एक दिन में ये वाली दीवार और ये वाली दीवार वो करके एक ही दिन में चले गए थे, ये वो और ये। तो अगले दिन से इन लोगों ने एक ही दीवार की थी, फिर वो लोग नेक्स्ट कमरे की तरफ शिफ्ट हो चुके थे। फिर उन लोगों ने ये द्वार की थी और ये ऐसा आने वाली होली। तो फिर हम लोगों ने अगले दिन ये वाली, दूसरा दिन था तीस, ये जो एक ही दिन में जो तीन दिनों में लोगों ने दो कमरे कर दिए थे, क्योंकि इसमें वॉशरूम था। वॉशरूम का सारा इसमें ये अलमारी थी, तो तीन दिन इसमें लग चुके थे आराम से। फिर चौथे दिन वो लोग बाहर आ गए थे। फिर एक दिन पूरा इन कमरे पे लगा, चार दिन हो गए। तो वो लोग इस जगह पर प्लास्टर नहीं कर सके थे, क्योंकि ये जगह बहुत छोटी थी। तो फिर हम लोगों ने कुछ ना कुछ करके प्लास्टर कर दिया। मैं आपको जूम करके बताता हूँ। तो फिर हम लोगों ने आस्ता आस्ता फिर काम चलता गया, फिर ये हो गया प्लास्टर। तो ये प्लास्टर हुआ कल, वो वाला भीम करके ये दिए वाला, ये सारा प्लास्टर हो चुका है। छत इसलिए हमने प्लास्टर नहीं किया है क्योंकि जैसे गर्मी सीले गर्मी बहुत थी, तो सीले भी करेंगे। फिर वो लोग आस्तक से फिर ये द्वारे कही है इन लोगों ने। फिर वो आस्ता 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 ऊपर चले गए थे। तो आस्ता आस्ता काम चलता रहा सबका। तो ये जो द्वार थी, इसको हमने लगाया था वो मिस्त्री अंकल ने, तो लगाया था। पर ये इसमें जो ये वायर, ये जो खाली जगह छोड़ी है, इधर इस तरह इंड नहीं लगी थी, इधर इस तरह लगी थी। तो ये ऊपर से ये सारी दीवार नीचे गिर आई थी, शुक्र हमने पकड़ ली थी, दिक्कत दिया वो साइड गिर गई। फिर दोबारा से लगाएगी, फिर प्लास्टर हुआ ऐसे, फिर वो टाइल लगाएगी, फिर ऐसे ये पता नहीं ये ऐसे क्या कहते हैं, एक बार ये पड़े गए। ये पता नहीं खपरेल पता नहीं ऐसी कोई ज़ुबान में कुछ कहते हैं खपरेला, तो हम उसको अपनी ज़ुबान में कहते हैं खपरेला। तो ये डिज़ाइन देखें और वो डिज़ाइन देखें, सेम है। पर उसका उस डिज़ाइन का जो ये ऊपर ऊपर ये डले हुए थे, उनकी सीढ़ियाँ बड़ी हैं, हमारी जो सीढ़ियाँ वो देखें, हमारी सीढ़ियाँ छोटी हैं। तो कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए छत पे जाते हैं। तो छत पे आपको बताते हैं, सारी वॉल है पीछे बैक साइड की और वो साइड की हो गई, और आगे से छत कुछ इस तरह गंदा हुआ है, क्योंकि फ्राइडे को काम ख़त्म हुआ था, रात संडे है। तो चलिए अब आपको वहाँ से हाइट दिखाते हैं कितनी है। तो ये
की सारी हाइट है मुझसे कम, वो नीचे से यहाँ तक, और इस तरह कुछ ही आता है फिर से। जरा चलते हमारा घर का काम ख़त्म होता है तो थोड़ी दो तीन एक दो हफ्ते बाद घर का वो मार्बल लगाया जाएगा, जो सीलिंग पर लगेगा मार्बल, तो कमरों में लगाया जाएगा, तो वो काम भी रहता है अभी, तो आस्ता आस्ता काम कम करेंगे। और आज संडे थी, मेरी छुट्टी थी, तो मैं घर में, तो बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और आपके भाई की दाढ़ी भी आ चुकी है, तो काम ख़त्म हो चुका है। तो काम ख़त्म करने के साथ इस व्लॉग को भी एंड किया जाए, तो एंड दी व्लॉग, एंड दी सारा कुछ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं करना, सॉरी सब्सक्राइब करना, तो सब्सक्राइब करना भूल चुके हैं, रेड घंटे को दबा दो और उसे क्रिय कर दो। तो चलिए इस तरह से व्लॉग को एंड करते हैं, तो बाय बाय। चरपाई पर लेटा हूँ और वीडियो तब मैं सोच रहा हूँ क्या रखूँ, सोच कर रखते हैं। बाय बाय। Many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need a